राइट डाउन, अगर हम बात करें NaCl और NaOH, इफ आई एम सेइंग NaCl और NaOH, NaCl कह रही हूँ, HCl एंड NaOH क्या है ये? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, एंड NaOH इज अ राइट. जब दोनों चीजें लाइक HCl प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, दैट इज द न्यूट्रल. राइट डाउन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल. राइट, गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं एक ऑप्शन ले रही हूं, इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, राइट डाउन अमोनियम क्लोराइड, मतलब मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड, लिखो जरा NH4Cl. अब ये किससे बना है, ये बना किससे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. अब ये बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना HCl से. पॉजिटिव और नेगेटिव हम लेते हैं. अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl में से विच वन इज द स्ट्रॉन्ग, तो इस सॉल्ट की नेचर क्या होगी? एसिडिक सॉल्ट. समझ आई मेरी बात? किसी को ना आई हो? आई बेटे? अगर नहीं आई ना, यू कैन आस्क. बच्चे मैंने कहा ये अमोनियम क्लोराइड है ना, इसमें जो पहला वाला है वो हमारे पास पॉजिटिव लिया हुआ है, वो बेस हो गया. HCl जो है नेगेटिव लिया, वो हमने एसिड में से लिया, ठीक है, Cl HCl से लिया. तो ये हमारे पास HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सी नेचर होगी उसकी? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है. अगर मैं कह रही हूं NaNO सोडियम कार्बोनेट, या इफ आई एम सेइंग, हां जी कौन सा, इफ आई एम सेइंग, अच्छा इसका क्या लिखा है पहले इसका लिख लो, क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नेचर ऑफ द सॉल्ट इज एसिडिक. हम नेचर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वी आर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द सॉल्ट. जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड एंड बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट बनता है, ठीक है. अब उसकी नेचर क्या, आपने पीएच में करा कि जैसे नॉर्मली आपने करा कि ये एसिड है ये बेस है, आपने उसके हिसाब से उसकी नेचर बता दी. अब हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्ट बनता है उसकी नेचर क्या, तो वो हमने देखना है वो सॉल्ट बना किससे है, उसमें कौन सी चीज स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, दैट यू हैव टू सी, ठीक है. अब अमोनियम क्लोराइड में हमारे पास सॉल्ट की क्या नेचर हुई, मैंने अभी आपको यह बताया अमोनियम क्लोराइड बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये वीक बेस हो गया, ठीक है. तो नेचर क्या होगी, जो डोमिनेटिंग है दैट इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बट सॉल्ट इज एसिडिक. अगर मैं बेस स्ट्रॉन्ग ले रही हूं, सॉल्ट वीक ले रही हूँ, एसिड वीक ले रही हूँ, तो मेरी उसमें नेचर क्या होगी, बेसिक सॉल्ट. सपोज अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अमोनियम, ये देखो मैंने यहाँ लिखा अमोनियम क्लोराइड, है ना. अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रोकार्बन से, लाइक अभी आपने करे नहीं है, आपने कभी नोटिस किया है CH3COONa, किसी को नाम पता है? सोडियम एसीटेट. इसमें अगर नोटिस करो यहां पे और इसमें फर्क देखो क्या है, इसमें क्या है पॉजिटिव आगे है नेगेटिव पीछे है, इसमें क्या है पॉजिटिव पीछे है नेगेटिव, बाकी सॉल्ट्स में पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं उनमें नेगेटिव आगे होता है पॉजिटिव पीछे होता है. अब यह बना किससे, CH3COO
that is the acetic acid. Acetic acid is present in, that is a strong acid or weak? So nature of the salt is getting my point. Without any cramming, हाँ बच्चा पूछो पूछो, तो weak हो जाएगा वो strong acid, strong base, weak ही रहेगा वो, न्यूट्रल कह दो आप, उसको भी न्यूट्रल कह सकते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेगेटिव वाले जो होते हैं हमारे पास कैटायंस एंड एनायंस में, नेगेटिव विल कम फर्स्ट एंड पॉजिटिव विल लेटर ऑन. ठीक है, एक और बताओ, Na2CO3 करके देखो खुद, एक मिनट कर लेने दो, करो सब Na2CO3. दीदी की लाल लगी हुई है. ठीक है, इसमें क्या है, Na2 कहां से आया, ये कहां से आया, किससे बने ये दोनों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बोनिक एसिड NaOH से, और ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज अ. बच्चे ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है ना बच्चे, यहाँ पे इस सॉल्ट में जो चीजें हैं वो हम सॉल्ट क्या कहते हैं, हम सॉल्ट क्या है, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट. ठीक है, चाहे वो सल्फाइड के सॉल्ट्स हो, क्लोराइड हो, सल्फेट है, नाइट्रेट्स हैं, कोई भी है, यानी कि HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे पास मेन तीन मिनरल एसिड्स हैं. बाकी कौन से होते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑल दीज आर द वीक एसिड. जब भी हमारे एसिड एंड बेसिस रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म द सॉल्ट. ठीक है, इस केस में ये जो सॉल्ट है ये कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग कर रहा है. मैंने बताया था तब भी, कार्बोनेट सॉल्ट बना कैसे, सोडियम कहां से लिया, बेस की बात कर रहे हैं ना. पहली बात तो बच्चे ये समझो आप, जो आपको शायद डाउट आ रहा है, माइट बी सॉल्ट क्लियर नहीं है. सॉल्ट क्या होते हैं, व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट, क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं. ठीक है, जितने हमारे एसिड्स के साथ आएंगे वर्ड्स, हम उसको वो वाले सॉल्ट की फैमिली बोल देते हैं. जैसे सल्फाइड के साथ है तो सल्फाइड, एच सल्फेट है तो वो सल्फेट फैमिली है, क्लोरीन है, HCl है तो क्लोराइड है. ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोनेट है, ये बना कैसे, दैट इज NaOH प्लस H2CO3. सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको दो मेन एसिड्स, बेस और एसिड बताया था. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. H2CO3 कार्बोनिक, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, दैट इज अ वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, नेचर ऑफ द सॉल्ट इज बेसिक, नेचर ऑफ द सॉल्ट इज बेसिक. क्लियर है, कोई ऐसा जिसको ना क्लियर हो, एनीवन क्लियर, शो एक आधा और दूं. अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4, सॉरी अमोनियम सल्फेट किससे बना है, आप बताओ बेटा, बताओ. गलत नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं पुत्र, एटलीस्ट मेरे सामने ट्राई करो. एक सेकंड रुको, मैं एक मिनट पूछ लूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए. यहां पे देखो ये कहां से लिया होगा, उसको एक एक मिनट, जिसको नहीं क्लियर ना बोलने दो, कहां से बना होगा, कौन से एसिड से बना, ये कौन से एसिड पता है आपको, आपको एसिड कौन से पता है वो बोल, टेंशन के बिना बोलो. आपको कह रही हूं डर क्यों रहा है, हाँ सल्फ्यूरिक, यानी कि ये H2SO4 है और यहां पे NH4OH, तो यहां पे अब कौन सा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट इज एस,
एसिडिक इन नेचर. प्लीज गलती मत करना. गेटिंग श्योर? किसी और को अभी भी डाउट है तो एनी थिंग दैट इज नॉट क्लियर टू यू बच्चे? ओके, आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस. लेट्स सी. वहां पे ब्लैक ऐश है, सोडा ऐश नहीं था, ब्लैक ऐश था. आई थिंक ब्लैक ऐश वॉज देयर, दैट इज नॉट अ सोडा ऐश, बेकार. बट इज द नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ दिस. मैंने नेम कौन सा पूछा, ठीक है? बट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर. बट इज द अदर नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? इफ आई एम सेइंग डैश प्लस क्लोरीन गिव राइज टू, बट इट विल कम कैल्शियम. इन दिस ब्लैंक इट विल कम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइक दिस क्वेश्चंस विल कम. ठीक है, अगर मैं कह रही हूं द सॉल्ट विच गिव्स एन, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, 5 मिनट्स जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग. द सॉल्ट विच विल गिव एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वॉटर. The salt which gives acidic solution in on dissolving in water out of KCl, ammonium chloride, sodium nitrate carbonate and sodium acetate. कौन सा? Which one will give the acidic solution on dissolving in water? KC, पक्का? Ammonium chloride. KCl कैसे हुआ? हाँ, ठीक है. Tell me. The salt which will give the neutral solution on dissolving. अब neutral के नाम लिख रही हूं. The salt which will give neutral solution. मतलब neutral है sodium acetate, CH3COONa, right? Second is ammonium chloride. Put same options. Ammonium chloride, potassium chloride, and Na2CO3. Which one? Why? समझ आ गई बात सबको? आपको आई कि अभी भी डाउट है? चलिए नेक्स्ट. द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेसेस आर. Who said water? The products of क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्लोरीन एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस द सॉल्ट हूज एक्वस सोल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ऐसा सॉल्ट जिसका एक्वस सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करता है. ऑप्शंस हैं आपके पास अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम कार्बोनेट. बोलो, एक्टिव तो हो जाओ बच्चे. ऑप्शंस हैं अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम कार्बोनेट. अमोनियम
बिल्कुल सही, आप शरारते करो. द सॉल्ट हूज एक्वस सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन ईदर रेड और ब्लू लिटमस, जिसका कोई इफेक्ट रेड और ब्लू लिटमस किसी पे नहीं है, दैट मीन्स बट वी आर सर्चिंग. तो उसमें है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट. क्यों? वेरी नाइस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन हैविंग पीएच ऑफ ऑलमोस्ट 7? अगेन दे आर आस्किंग फॉर, वो अब आप बता दोगे. अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जो 1-1 mark के होंगे. अ कंपाउंड एक्स दैट इज फॉर्म्ड प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद द वॉटर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड. व्हाट इज पीओ पी? अगर क्वेश्चन ऐसा हो, अगर तो एमसीक्यू है, इन एनी केस अगर हम पैराग्राफ दूसरा दे देते हैं कि राइट डाउन द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ, अकेला पीओपी लिख के नहीं छोड़ना, ठीक है? अदरवाइज तो पेपर एमसीक्यू है, बट इन एनी केस जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो स्टडी बेस्ड है, तो इसमें जो भी है यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स. पीओपी दैट इज उसका फार्मूला साथ में जरूर होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट CaSO4.5 molecule ऑफ वॉटर. इतना कष्ट कर लेना, ठीक है? राइट द केमिकल इक्वेशन, वो आपको पता है. वाई इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर फ्रैक्चर, हेल्प क्योर द फ्रैक्चर बोन्स. अ वाइट पाउडर सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? मैंने बोला अ वाइट पाउडर सब्सटेंस, मैंने कंपाउंड वर्ड नहीं बोला. आई सेड अ पाउडर सब्सटेंस दैट, आई एम सेइंग अ सब्सटेंस दैट हैज ये वाइट पाउडरी सब्सटेंस हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई एट वाटर वर्क्स. Identify the substance, give the its equation and write down the chemical reaction for its preparation. Bleaching formula. How many molecules of water of crystallization are present in copper sulfate crystal? Ferrous sulfate, sodium carbonate, gypsum. जिप्सम 2, पीओपी 1. क्वेश्चन सुनिए. अ सॉल्ट एक्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन. अ सॉल्ट एक्स when dissolved in water gives a clear solution, वो clear solution देता है which turns red litmus blue. Explain the phenomena. कौन सा ऐसा salt है which gives dissolve in distilled water gives a clear solution? Na dissolve in the distilled water. Dissolved in distilled water gives a clear solution which turns red litmus blue. Basic salt hai. Red litmus blue kar raha hai Saksham. But I am saying on dissolving in distilled water gives red litmus blue. Red litmus blue kaun karta hai? Base. To salt kaun sa hua? Basic. Na2CO3. देखो ना, क्वेश्चन के अंदर ही आपको 3 चीजें उन्होंने कही. दे आर सेइंग कि एक्स एक ऐसा सॉल्ट है विच व्हेन डिसॉल्विंग इन द डिस्टिल्ड वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस टू ब्लू कौन कर रहा है? बेस. दैट मीन सॉल्ट क्या नेचर है? बेसिक. अगर सॉल्ट बेसिक है तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड किससे बना है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है?
NaOH. वीक बेस को वीक एसिड कौन सा है? H2CO3. क्वेश्चन को दोबारा समझ मत करो. समझ नहीं आया ना? क्या आया है? नहीं तो मैं दोबारा बताऊं. आया है? क्या आया? टेल मी कैसे. अच्छा, रेड लिटमस टू ब्लू कर रहा, दैट इज बेसिक. किससे बना है? सॉल्ट का नाम क्या है? अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग क्रैमिंग नहीं करनी. प्रिंस आपको आ गया समझ कैसे बना वो बेसिक सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. हम सिंपली बात कर रहे हैं, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि सॉल्ट इज बेसिक, बेसिक मतलब उसमें बेस स्ट्रॉन्ग है. बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा करा आपने? ठीक है, अब वीक एसिड कौन सा है? HCl तो है नहीं, H2SO4 भी नहीं है, HNO3 भी नहीं. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये मिनरल एसिड है. वीक कौन से करे आपने? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड, यही करे. अब यहां से सोडियम वर्ड ले लिया हमने, ठीक है, तो बेस सॉल्ट का हम कौन सा सॉल्ट, सॉरी एसिड लेंगे? H2CO3. यहां से हो गया Na. आपने एक वर्ड से सारा कुछ खुद फाइंड आउट करना. पहले रेड लिटमस टू ब्लू से बेसिक पता लगा. बेसिक सॉल्ट है तो दैट मींस उसकी नेचर कैसे, मतलब बेसिक बनी है, स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड करा, वीक एसिड H2CO, उससे हमने बना दिया सॉल्ट. आपको सिर्फ एक ये ऑप्शन आ सकती है, अ सॉल्ट एक्स इज, ठीक है, इज टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, आइडेंटिफाई द सॉल्ट. तो आपको MCQ आ गया, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ना. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज दिमाग प्रॉपर यूज करके करो. हाँ जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग में नहीं आता. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉल्युबल है, दैट आर कॉल्ड एल्कलीज. ठीक है, नेक्स्ट इज अ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वॉटर एंड द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट सोल्यूशन इज मेजर्ड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. ठीक है, इफ द पीएच इज लेस देन 7, एसिडिक सॉल्ट. ठीक है, लेस देन 7 द सॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू वापस आइडेंटिफाई करना है. दैट मींस उसने आपको क्या मेन देखना है कि बेस वीक होना चाहिए, एसिड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ठीक है बच्चे.